हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आपसे भी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का 11 अक्टूबर तीनों शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप अभी तक चैनल साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोज देखनी है, अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है पूरे दिन में, जब काम करके और एक वीडियो बनानी पड़ती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते हैं तो इससे मोटिवेशन मिलता है कि कल फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ मोटिवेट करते रहा करें। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है CEO ऑफ एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक के CEO यहाँ पे पूछे गए थे, तो शिखा शर्मा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है, रियाल किस देश की करेंसी है, तो ये आपका सऊदी अरेबिया राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का स्पीकर पूछा गया था, तो सुमित्रा महाजन सभी को पता है, राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर पूछा गया था, तो 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक ये आपका क्वेश्चन था कि टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म में किस अभिनेता की मूवी है, मतलब ये ऐसा कोई क्वेश्चन था, तो अक्षय कुमार राइट आंसर हो जाएगा। शायद ये पूछा गया होगा कि इसमें मेन लीड रोल किसका है या फिर एक्टर कौन है, तो अक्षय कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड अब आपके कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे आपका पहले बाहुबली मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, अभी टॉयलेट एक प्रेम कथा है, इससे कई क्वेश्चन आए, कल भी क्वेश्चन थे, तो आप देख लीजिएगा एक बार इस मूवी को, ठीक है। मतलब मूवी नहीं देखनी है, मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है केनरा बैंक के CEO पूछे गए, तो राकेश शर्मा राइट आंसर हो जाएगा। 2017 में आमिर खान को कौन सा अवार्ड मिला, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका दंगल मूवी में मेन एक्टर कौन था, तो आपका आमिर खान राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही दो क्वेश्चन पूछ लिए गए आमिर खान से रिलेटेड। यहाँ पे एक था, पेरू के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसका राइट आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट आंसर हो जाएगा। 17वां लोकसभा चुनाव कब होगा, देखिए इससे पहला जो है ये 16th लोकसभा थी, और ये 17वीं लोकसभा जो आने वाली है, मतलब उसका चुनाव कब होने वाला है, 2019 में, ठीक है, तो ये भी आपको पता होगा। एक था यजुवेंद्र चहल कौन है, तो ये क्रिकेट खिलाड़ी है, यजुवेंद्र चहल आपके क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो ये इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एग्जाम वॉरियर बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये मोदी जी, PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन वैसे कई बार आ चुका है पहले भी, ठीक है। करंट इज फ्लो ऑफ, तो आपका इलेक्ट्रॉन्स राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे कुलदीप यादव भी पूछे गए हैं कि कुलदीप यादव किस खेल से संबंधित है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, तो इसका क्रिकेट राइट आंसर हो जाएगा। आईफा 2017 का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसको दिया गया, आलिया भट्ट को दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आलिया भट्ट हो जाएगा। रामनाथ कोविंद पहले किस राज्य के गवर्नर थे, तो आपको पता होगा बिहार के, राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। बिहार के गवर्नर थे रामनाथ कोविंद जी, जो कि अभी हमारे प्रेसिडेंट हैं, और इसका ये वाला क्वेश्चन जो है ये पहले भी आ चुका है, ठीक है। 2017 विंबलडन मिक्स डबल चैंपियन विनर कौन है, हेनरी कॉन्टेनर, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मेटल नहीं है, तो ये तो आप वहीं पे ऑप्शन देख के बता सकते थे, ठीक है, कौन सा मेटल नहीं है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आयरलैंड की कैपिटल पूछी गई थी आपकी, तो डबलिंग राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डबलिन। नेक्स्ट आपका चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, तो इसका मुझे नहीं पता है, देखिए अगर आपको पता होगा इसका राइट आंसर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नेक्स्ट आपका यूपी में समाजवादी पार्टी को कितनी सीट मिली थी, जो ये आपका जो हुआ था मतलब अभी इलेक्शन, तो इसमें पूछा गया होगा शायद, तो ये भी शायद नहीं पता यार, अगर आपको पता होगा, मैंने सर्च भी नहीं किया है ना, जल्दी से जल्दी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जितने भी रियल क्वेश्चन मिले हैं, सारे जितने भी मिले हैं वो सब आप तक पहुँचाने की कोशिश है, बस टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैं सर्च करके नहीं बता पा रहा हूँ ये इन क्वेश्चन का आंसर, तो अगर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जिमनास्टिक चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय कौन है, दीपा कर्मकार, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। HCL के भी यहाँ पे CEO पूछे गए हैं, तो राइट आंसर C विजय कुमार हो जाएगा, ठीक है, C विजय कुमार। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, 1526 में, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो स्टार फिश से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पता बट इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपके GK साइंस जो भी मुझे मिले करंट अफेयर के। अब बात कर लेते हैं मैथ की, ठीक है। देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को पूरी नहीं देखते हैं, वीडियो को पूरा देखा करें तभी कुछ फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे रियल होते हैं, कोई भी फेक क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है।
यहाँ पे एक क्वेश्चन भेजा एक बच्चे ने, उसमें दिया हुआ था कि प्रिंसिपल अमाउंट थी आपकी, यानी कि मूलधन दिया हुआ था 12,500, अमाउंट यानी कि जो आपका मिश्र धन होता है वो दिया हुआ था आपका 15,500, टाइम दिया था 6 साल का और रेट आपको निकालना था, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो यहाँ पे सीधा सीधा सा आपको नज़र आ रहा होगा, अगर आपको ये पता होगा कि अमाउंट जो मिश्र धन होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं और ये कैसे बनता है। देखिए प्रिंसिपल में जब जो भी इंटरेस्ट होता है उसको इंक्लूड कर देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। तो यहाँ पे देखिए 12,500 से बढ़ के कितना हो रहा है, 15,500, तो इसका मतलब 3,000 से बढ़ रहा है, तो 3,000 ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया, टाइम पता चल गया, प्रिंसिपल भी पता चल गया, निकालना क्या है, आर निकालना है, तो बड़ा ही सिंपल है यार, अब तो निकाल ही सकते हैं ना। सिंपल सा आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, सभी को पता होगा सिंपल इंटरेस्ट का, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे तो आप निकाल लेंगे यहाँ पे SI। तो देखिए कैसे निकालना है, आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया भाई, देखिए 12,500 से बढ़ के 15,500 हो गया 6 साल में, तो इसका मतलब इस 6 साल में कितना इंटरेस्ट लगा, 3,000, तो 3,000, पी कितना है आपका 12,500, तो 12,500, आर कितना है आपका ये आपको निकालना है, और टाइम कितना है 6 है, और अपॉन में हम 100 रखेंगे, बस इसको सोल्व कर लीजिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ठीक है, 25 की मल्टीप्लाई हम 6 में करेंगे कितना हो जाएगा 750, 750 को डिवाइड करेंगे 3,000 से तो 4 आ जाएगा, यानी कि रेट कितना है 4%, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका, एक क्वेश्चन था कि ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, ठीक है, बी ए से 3 गुना समय लेता है, 3 गुना ज़्यादा समय लेता है, पूरा करने में दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था, जो भी है लैंग्वेज सही नहीं मिल पाती है, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, आप इतने समझदार हैं कि जैसा भी क्वेश्चंस मिल रहा है आप तक प्रोवाइड करा रहा हूँ एक एग्जैक्ट फॉर्म में जैसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखना है आपको इनका रेशो, टाइम का रेशो दे दिया गया है क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि बी जो है वो ए से 3 गुना समय ज़्यादा लेता है, इसका मतलब बी 3 गुना ज़्यादा समय ले रहा है, ए कितना लेता होगा 1 समय लेता होगा, बी कितना लेगा 3 गुना ज़्यादा यानी कि 3 समय लेता होगा, तो आपको टाइम का रेशो यहाँ पे मिल गया है, ए और बी के टाइम का रेशो कितना है 1:3 मिल गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ टाइम का रेशो, अगर आपको पता चल गया तो वर्किंग का रेशो जो होता है वो उसका टाइम का अपोजिट होता है, ठीक है, टाइम का रेशो है 1:3 और वर्किंग रेशो क्या हो जाएगा 3:1, इसके पीछे रीजन क्या होता है ये भी आप जरा से यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए ए अगर आपका 1 टाइम ले रहा है और बी आपका 3 टाइम ले रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ज़्यादा वर्क कर रहा होगा, ये ज़्यादा वर्क करेगा तभी तो कम समय लेगा, अब ये एक ही टाइम में 3 यूनिट वर्क कर रहा है तो ये एक काम को जल्दी कर लेगा यानी कि कम मिनट में कर लेगा, और ये ज़्यादा टाइम ले रहा है तो इसका मतलब ये कम कार्य कर रहा होगा, तो इसलिए अपोजिट होता है टाइम का रेशो और वर्किंग का रेशो अपोजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्किंग का रेशो हमें मिल गया 3:1, यहाँ पे बोला गया है कि ए किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो इसका मतलब हम यहाँ से टोटल कार्य निकाल सकते हैं, टोटल वर्क है कितना वो निकाल सकते हैं। देखिए कैसे बोला गया है ना कि ए 16 दिन में कार्य कंप्लीट कर लेता है, ए 1 दिन में 3 यूनिट वर्क कर रहा है, वर्किंग रेशो है ना ये, तो एक ए 1 दिन में 3 यूनिट वर्क करता है तो 16 यूनिट वर्क करने में कितना समय लगेगा आपका, सॉरी कितना टोटल वर्क होगा आपका, 16 की गुना 3 में करेंगे तो 48 यानी कि 48 यूनिट टोटल वर्क होगा। अब ये क्या बोला है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर 1 दिन में 4 यूनिट वर्क कर सकते हैं, 48 को करने में कितना समय लगेंगे, 48 को डिवाइड कर देंगे 4 से तो 12 डेज आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन था यहाँ पे 15% और 25% डिस्काउंट का अंतर ₹50 है तो MRP आपको निकालनी है। देखिए एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पे, ये तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं, तीनों शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस मिल पाए, तो यहाँ पे कोई भी बच्चा ये कमेंट नहीं करेगा कि ये मेरे एग्जाम में नहीं आता, तो आपके में नहीं आया होगा शायद ये सेकेंड शिफ्ट का हो, तो थर्ड शिफ्ट का हो आपका अगर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन रियल हैं और जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे टेलीग्राम के थ्रू लिए हैं, बच्चों से बात करके लिए हैं, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब कोई बच्चा बोलता है कि ये क्वेश्चन फेक है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि MRP निकालनी है, देखिए 15% और 25% डिस्काउंट का अंदर ₹50, यानी कि आपका इनके बीच का अगर डिफरेंस देखा जाए तो 10% का है, 10% का 10% का यानी कि डिस्काउंट का डिफरेंस 10% का है, और जो डिस्काउंट जो रुपीज़ में डिफरेंस है वो 50 का है, यानी कि 10% के इक्वल कितना हो गया 50 हो गया,
ठीक है। एमआरपी हमारी 100% है, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना है, 50 को 10 से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट कर जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 की, तो 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे सॉरी वो रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए थे, पहले मैथ के कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, वो बीच में आ गया था एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि 80 पेंसिलों का सेलिंग प्राइस 60 पेंसिलों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। आप मुझे ये बताइए, आप 80 पेन बेच करके 60 पेन की ही रिकवरी कर पाते हैं, ठीक है, 80 पेन का सेलिंग प्राइस, यानी कि आप 80 पेन बेचते हैं और वो उनकी जो आपको मिलता है प्राइस मिलता है 80 पेन का, वो किसके इक्वल होता है, 60 पेन के, 60 पेंसिलों के बराबर होता है, ठीक है, पेंसिल है भैया, ठीक है। तो जब आप 80 पेन बेच करके 60 पेन के प्राइस तक ही कवर कर पाते हैं, तो इसका मतलब आपको लॉस हुआ है। लॉस कितने पेन का हुआ है, 80 में से 60 को माइनस करेंगे, 20 पेन का लॉस हुआ है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये 20 पेन का जो लॉस हुआ है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और वो भी क्या है, क्योंकि लॉस तो आपको पता चल ही गया कि लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा लाभ होगा या हानि होगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है लॉस ही होना है। अब लॉस निकालने के लिए आपको पता है कि सीपी पे हम लॉस निकालते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, सीपी आपका 60 लिखा है, बट इस 60 पे आपका लॉस नहीं निकलेगा। इसके पीछे रीजन ये है कि अब सीपी आपका ये हो गया, देखिए 80 के बराबर आपने बेचा ना 60 पेन के बराबर, ये आपका 60 पेन जो है ना, इससे कंपेयर किया गया है कि ये 60 पेन जो पेंसिलें हैं सीपी उनके बराबर है 80 पेन की सीपी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, और एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक भी यहाँ पे समझा देता हूँ, जब भी लॉस होता है तो नीचे आपको बड़े वाली अमाउंट लेनी होती है, और जब भी प्रॉफिट होता है तो नीचे छोटे वाली अमाउंट लेनी होती है। अगर कभी भी आप कंफ्यूज हो लॉस प्रॉफिट और लॉस निकालने में, तो बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि लॉस हुआ है तो नीचे बड़ी, प्रॉफिट हुआ है तो नीचे छोटी, ठीक है। तो और ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत भी नहीं है, बाकी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी, अगर आप जा करके देखेंगे, प्लेलिस्ट चेक करेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारी आपको अच्छे तरीके से मतलब डिटेल में मैंने सब कुछ चीज़ें समझा रखी हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 20 का देखिए लॉस हुआ है तो 20/80 कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि जब भी हमें परसेंटेज में चीज़ को किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 से 80 जाएगा 4 बार और 4 से 100 जाएगा 25 बार, तो आपको यहाँ पे 25% का लॉस मिला है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पे साधारण ब्याज का, आज कई क्वेश्चन आपके SICI से पूछे गए हैं, ठीक है, SCI का तो क्वेश्चन नहीं मिल पाया, बट ये SI के मिले हैं तो इसको देख लेते हैं। साधारण ब्याज पर आधारित दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 880 रुपये तथा 3 वर्ष में 920 रुपये हो जाती है, वह धनराशि क्या है। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट पूछ ली गई है, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो बहुत ही आसान है निकालना, मैं आपको यहाँ पे रेट भी निकालना बता दूंगा, जैसे ऊपर बता के आया हूँ अभी। 2 साल में आपको 880 हो जाती है और 3 साल में 920 हो जाती है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 40। देखिए साधारण ब्याज में आपका जो इंटरेस्ट होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, जो फर्स्ट ईयर में होगा वो सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में मतलब सेम रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, 1 साल का डिफरेंस आया इनके बीच में और इनके बीच में डिफरेंस आया 40 का, यानी कि 1 साल बराबर अगर 40 है तो सिंपल इंटरेस्ट आपका हर साल 40-40 लग रहा होगा, तो आप क्या करेंगे, 2 साल का इंटरेस्ट आप कितना हो जाएगा, 2 साल का इंटरेस्ट यहाँ पे 40 में 2 की मल्टीप्लाई कर दिए 80 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 880 में से 80 को माइनस कर देंगे। अगर आप 880 में से 80 को माइनस करते हैं तो आपका क्या बचेगा, 800, 800 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये तो आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है भाई। आपने अगर यहाँ पे 80 माइनस किया है, 2 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दिया, क्योंकि 2 साल में 880 हो जाता है ना कोई धन, तो 880 हो जाता है, इसका मतलब उसमें 80 इंटरेस्ट आ गया और 800 वो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो मूलधन है, ठीक है। तो 800 आपका राइट आंसर हो गया। अगर यहीं पे आपसे रेट पूछ लिया जाता कि रेट क्या है, तो देखिए रेट निकालना भी बहुत ही सिंपल है, जैसे मैं आपको बता के आऊँ, SI बराबर P(R)(T/100 आपको करना है, 40 आपका इंटरेस्ट है, 800 आपका प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया, आर आपको निकालना है, टाइम आपका 1 है और अपॉन में 100 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगी, तो कितना हो गया, 8R आपका हो गया, और 40 बराबर कितना हो गया, 8R। तो यहाँ पे क्या करना है, 40 को डिवाइड करना है 8 से, तो R बराबर आपका कितना होगा, 5%, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मतलब अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा, अदरवाइज आपका बस क्वेश्चन यहीं पर था, यहीं तक ही था 800 तक ही, तो यहाँ तक आपका राइट आंसर निकल चुका था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए टाइम एंड वर्क से, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है
ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, बी किसी काम को 18 दिन में कर लेते हैं, दोनों मिलकर अल्टरनेटिव डेज पे दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों का हमने ले लिया एलसीएम कितना आएगा 36, 36 को 12 से भाग किया तो ए का एक दिन का यूनिट वर्क आ गया 3, और 36 को 18 से भाग किया तो बी का एक दिन का यूनिट वर्क आ गया 2। अब बोला है कि ए वर्क को स्टार्ट करेगा और अल्टरनेटिवली वर्क करेंगे, यानी कि बारी बारी वर्क करेंगे, ए पहले करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा। इस तरीके से अगर वर्क करा जाते तो टोटल कितना समय लगेगा वर्क को कंप्लीट होने में। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 3 और 2 यहाँ पे कर रहे हैं वर्क, ठीक है, 3 यूनिट और 2 यूनिट। अब दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट वर्क कर सकते थे, बट इसी वर्क को 2 दिन में कराना है, पहले 3 कराएंगे फिर 2 कराएंगे, तो 2 दिन का वर्क कितना हो गया 5 यूनिट। आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि 2 दिन का वर्क है, ठीक है। तो आपको एक ऐसा पाड़ा पढ़ना है, एक ऐसा टेबल पढ़ना है जो 36 से कम रहे, तो कितना हो गया 5 से 35, तो 35 36 से तो कम है भाई, एक बच गया आपका रिमेनिंग। यहाँ पे जो 7 है इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 2 दिन का वर्क है, ये 1 दिन का वर्क नहीं है। तो 7 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना हो गया 14, तो ये 14 तो आपका पूरा कंप्लीट आ गया, ठीक है, जो 14 है आपका पूरा कंप्लीट वर्क है। अब ये जो एक रिमेनिंग है इसको करने कौन आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी, जो एक रिमेनिंग वर्क है उसको करने वो आता है जिसने वर्क स्टार्ट किया था। तो वर्क किसने स्टार्ट किया है करना, ये आपका ए ने वर्क करना स्टार्ट किया था, तो 1 को कौन करने आएगा, ए करने आएगा, तो 1/3 हो जाएगा, तो यानी कि टोटल जो डेज लगेंगे वो 14 कंप्लीट 1/3 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप उनको इजीली कर भी लेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन था पाइप एंड टंकी से, देखिए, ए किसी टैंक को 15 घंटे में भर लेता है, बी उसी टैंक को 20 घंटे में भर लेता है, और सी उसी टैंक को 25 घंटे में खाली कर देता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, इन सभी का एलसीएम लेंगे कितना आ गया 300। यहाँ पे आपको क्या करना है, 300 को 15 से भाग करेंगे तो 20 आ गया, 300 को 20 से भाग करेंगे 15 आ गया, और 300 को 25 से भाग करेंगे तो 12 आ गया। यहाँ पे देखिए, सी जो पाइप है वो खाली करने वाला है, ठीक है, शायद मैंने गलती से बोल दिया भरने वाला, तो खाली करने वाला है, क्योंकि देखिए इसके सामने मैंने लगा रखा है माइनस का साइन, जिससे हमें पता चलता रहे कि कौन भरने वाला पाइप है और कौन खाली करने वाला पाइप है। इसमें देखिए कंडीशन क्या बोली गई थी, तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, 10 घंटे बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है, बचे हुए पानी को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, 10 घंटे तो तीनों पाइप चले हैं, 10 घंटे के बाद में जितना भी पानी भरा होगा, ठीक है, भर लिया गया होगा, बट उसके बाद सी को हम बंद कर देते हैं, तो बचे हुए पानी को कितना समय लगेगा भरने में, ये क्वेश्चन में आपके पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, 300 टोटल यूनिट हो गया आपका, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे इन तीनों से अगर वर्क करा जाता है साथ में तो 20 और 15 कितना हो गया आपका 35, ठीक है, यानी कि आपका 35 यूनिट वर्क आपका होगा एक घंटे में, और मतलब 35 यूनिट पानी भरा जाएगा एक घंटे में, और उसी घंटे में आपका 12 यूनिट पानी निकल भी जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस करूँ तो 35 में से 12 तो कितना बचेगा 23, यानी कि एक घंटे में 23 यूनिट पानी भरा जाएगा, और 10 घंटे तक इन्होंने साथ में वर्क किया है, तो इसका मतलब कितना होगा 230 यूनिट वर्क भरा जाएगा, ठीक है। देखिए टोटल वर्क कितना भरा जाएगा 230 यूनिट, तो 300 में से 230 को माइनस करेंगे, बचा कितना 70 यूनिट, तो यहाँ पे टोटल 70 यूनिट आपका बचा है। अब इसको कौन भरेगा, अब सी तो बंद कर दिया गया, अब इसको भरने आएंगे ये दो पाइप कितना भरेंगे, ये 35 यूनिट वर्क एक घंटे में भरते हैं, तो 70 यूनिट को भरने में कितना समय लेंगे, 2 घंटे लेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे, ठीक है भाई। तो इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था यहाँ पे एज का कुछ इस तरीके से कि ए और बी की एज जो दे रखी थी 4 साल पहले का रेशो दे रखा था 11 और 14, ठीक है, यहाँ पे 4 साल बाद का रेशो भी दे रखा था 13 और 16। यहाँ पे जो पूछा गया था, ए की प्रेजेंट एज पूछी गई थी, वर्तमान आयु पूछी गई थी ए की। देखिए 4 साल पहले का रेशो 11 और 14 है, और आपका 4 साल बाद का रेशो आपका 13 और 16 है, और जो बीच का रेशो है यानी कि वर्तमान का रेशो, वो आपको नहीं पता है, वो आपको निकालना है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2, इधर भी कितना है 2, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं होता, यानी कि 2 2 नहीं होता, तो आपको सबसे पहले डिफरेंस सेम करना पड़ता, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करते। अभी इनका डिफरेंस जो है वो सेम मिल गया, तो इसका मतलब क्वेश्चन तो और भी ईजी हो गया। तो यहाँ पे देखिए, इनका बीच का डिफरेंस 2 आया है, और ये 2 किसके इक्वल हो गया 8 के, मैंने 8 लिख दिया है। आप सोचो कि 8 कैसे लिख दिया, आप मुझे ये बताइए, अगर आप वर्तमान में खड़े हैं, यहाँ पे प्रेजेंट में खड़े हैं, और आपके 4 साल पहले की एज दे दी गई है और 4 साल बाद की एज दे दी गई है, तो आपके बीच का डिफरेंस कितना हुआ।
आप 4 साल को पीछे हटा के लेके आओगे तो कितना हो गया यहाँ पे, 4 साल प्लस करके लेके आओगे तो 4 तो ये हो गया, ठीक है। फिर 4 साल आप इधर से माइनस करके लेके आओगे, यानी कि 4 साल आगे पहुँच गए थे तो 4 साल ये हो गया, कितना हो गया 8 साल। और इनके रेशो में जो डिफरेंस दे रखा है वो केवल 2 साल का दे रखा है, यानी कि मान लीजिए बस दो रेशो का दे रखा है तो 2 साल का दे रखा है मान लीजिए, ठीक है। तो 2 रेशो के बराबर 8 साल है, तो 1 रेशो के बराबर आपका 4 हो जाएगा। किसकी परसेंटेज पूछी गई है, ए की, तो ए की परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो 11 में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किसकी, 4 की होगी भाई, सॉरी, ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 में 4 की मल्टीप्लाई होगी तो 44 हो जाएगा। और इसमें फिर 4 प्लस कर देंगे, क्योंकि ये जो आपका 44 आया है 4 साल पहले की एज आई है, जो 44 आया है ये 4 साल पहले की एज आई है, तो इसमें 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 ईयर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48 ईयर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात ये है, एक तो ये मैंने जो 8 लिखा है ना यहाँ पे 2 बराबर 8, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इनका डिफरेंस है रेशियो में वो तो केवल 2 का है, बट यहाँ पे एक्चुअल में जो ईयर में डिफरेंस है वो कितना है, 8 ईयर का है भाई। 4 साल पहले की बात की गई है, 4 साल बाद की बात की गई है, तो टोटल कितना हो गया, 8 साल का डिफरेंस हो गया ना। और यहाँ पे जो डिफरेंस रेशियो में वो 2 का है, तो 2 बराबर 8 है तो 1 बराबर 4 हो जाएगा, पहली बात ये। फिर यहाँ पे अगर मैं 13 में मल्टीप्लाई करूँ 4 की, तो यहाँ पे इसमें हमें 4 माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं 11 में मल्टीप्लाई करूँ 4 की, तो इसमें 4 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये ए की 4 साल पहले की एज आ जाएगी। और अगर मैं 13 में मल्टीप्लाई करूँ ये, तो 4 साल बाद की एज आ जाएगी। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कुछ पक्षी बादल हैं और घोड़ा एक पक्षी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपको बनाना था इसका वेन डायग्राम। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन वेन डायग्राम और आज ब्लड रिलेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आई थिंक थर्ड शिफ्ट का एक बच्चे ने बोला कि थर्ड शिफ्ट में 5 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से थे। अब मुझे नहीं पता उसने सही बताया गलत, बट बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन से पूछे जा गए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस नहीं पता चल पाए वैसे, बट पूछे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो देख के जाइएगा ब्लड रिलेशन चैप्टर को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ पक्षी बादल हैं, तो पक्षी आपने बनाया एक वेन डायग्राम, उसके बाद कुछ पक्षी बादल आपने बना दिए। फिर उस नेक्स्ट बोला गया है घोड़ा एक पक्षी नहीं है, तो ठीक है घोड़ा एक पक्षी नहीं है, तो आपने क्या किया, एक इसको हटा के एक बगल में इसके वेन डायग्राम बना दिया घोड़े का, तो कोई भी पक्षी घोड़ा नहीं है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कुछ बादल पक्षी है, तो कुछ बादल पक्षी है इसका मतलब क्या हो गया, बादल और पक्षी के बीच में तो कुछ करिलेशन है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला घोड़ा बादल नहीं है, तो घोड़ा और बादल के बीच में तो कोरिलेशन बताया ही नहीं गया है, ना ही है का बताया गया और ना ही नहीं का बताया गया है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे मिरर इमेज से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये पता नहीं किस शिफ्ट का है, कई शिफ्ट में तो आपके इमेज वाले पूछे गए हैं, ठीक है। एक तो बहुत ही अजीब सी इमेज थी, मेरी समझ में नहीं आई है, एक बच्चे ने भेजी थी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना के ज़्यादा ही, तो वो मैं नहीं दे पाया हूँ। अगर मैं देखूँगा उसको आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सिंपल है भाई, देखिए मैंने आपको कई बार पहले भी बताया कि मिरर इमेज को देख बनाते टाइम बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो चीज़ें मिरर के पास में है उसको मिरर के पास में रखना है, जो मिरर के दूर है उसको दूर रखना है। तो मिरर के पास में क्या है, जे का ये वाला पोर्शन है, देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए पॉइंट वाला, तो जे ये वाला पॉइंट वाला पास में हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बना लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक था आपका देखिए सीरीज वाला क्वेश्चन इस तरीके से 9, 12, 11, 14, 13, और नेक्स्ट आपका यहाँ पे दे रखा था खाली स्थान और 15। नेक्स्ट यहाँ पे बताना था आपको खाली स्थान पे क्या आएगा, तो इसमें क्या चल रहा है, +3, -3, +3, -3, +3, -3। 9 में +3 तो 12, -1 तो आपका 11, +3 तो 14, -1 तो 13, +3 तो 16 आ जाएगा, राइट आंसर 16 हो जाएगा, ठीक है, -1 तो 15। तो इस तरीके से जब भी आपकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज चलती है, तो उसमें कुछ ना कुछ आपका माइनस प्लस ही चलता है, ठीक है। ये कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये इसमें कुछ माइनस प्लस ही चलेगा। नेक्स्ट आपका एक सीरीज थी PMT OOS NQR MSQL, ये आपको नेक्स्ट बताना था नेक्स्ट इस सीरीज में क्या आएगा। तो ये इस सीरीज में क्या चल रहा था, -1, +2, -1, ठीक है। यानी कि जो पहले वाली आपकी जो ये है अल्फ़ाबेट है उसमें -1 चल रहा था, फिर नेक्स्ट वाली अल्फ़ाबेट में आपका +2 चल रहा था, फिर आपका अल्फ़ाबेट में -1 चल रहा था। तो इसी तरीके से आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को इसको करेंगे -1, +2, -1, ठीक है, -1, +2, -1,
ठीक है, फिर माइनस वन प्लस टू और माइनस वन, तो एल यू पी राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, एल यू पी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन था यहाँ पे, शिक्षक पेंटर और नाटककार का वेन डायग्राम आपको बनाना था। अगर मैं बात करूँ शिक्षक पेंटर और नाटककार, देखिए तीनों के तीनों ही एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। भाई ये तो नहीं है कि शिक्षक पेंटर और नाटककार अलग होते हैं, ओल वाले तो नहीं कंडीशन हो सकती कि सभी के सभी शिक्षक पेंटर होंगे, सभी के सभी पेंटर नाटककार होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। बट ऐसा ये पॉसिबल है कि कुछ शिक्षक पेंटर हो सकते हैं और कुछ पेंटर नाटककार हो सकते हैं, और कुछ पेंटर और शिक्षक नाटककार हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ शिक्षक और आपके नाटककार पेंटर हो सकते हैं। तो यानी कि कुछ कुछ वाली कंडीशन इसमें पूरी सेटिस्फाई रहेगी। तो ये आपका राइट आंसर कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, आपको मतलब ऑप्शन में दे रखा होगा, तो आपने आशा करता हूँ कि यही लगाया होगा। नेक्स्ट आपका है, कथन दे रखा है, कोलकाता से दिल्ली जल्दी पहुँचने के लिए हवाई जहाज से जाओ। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोलकाता से दिल्ली जल्दी पहुँचने के लिए हवाई जहाज से जाओ। तो यहाँ पे बोला गया पहले वाला कथन, कोलकाता और दिल्ली वायु मार्ग से जुड़ा है, तो ऑब्वियसली बात बिल्कुल सही है ये वाला ऑप्शन। देखिए कोलकाता और दिल्ली वायुयान से जुड़ा होगा, सॉरी वायु मार्ग से जुड़ा होगा, इसलिए ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोलकाता से दिल्ली जल्दी पहुँचने के लिए हवाई जहाज से जाओ। ठीक है, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है, कोलकाता से दिल्ली पहुंचने के लिए दूसरा साधन नहीं है। तो ऐसा तो नहीं बोला गया है ना कि कोई दूसरा साधन नहीं है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। और भी साधन हो सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया है कि कोलकाता से दिल्ली जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाओ। तो आपका ऑप्शन वन ही राइट आंसर रहेगा, दूसरे वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, एक आपका देखिए डायरेक्शन से क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से, सोहन अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, वह फिर पूर्व में मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है, और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कर देख लेते हैं। आप सभी को पता होगा चारों दिशाओं का, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे चलना स्टार्ट किया है सोहन ने, अपने घर से 15 किलोमीटर चला पश्चिम की ओर, तो यहाँ से यहाँ तक वो 15 किलोमीटर चला पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर चलने के बाद यहाँ पे वो 15 किलोमीटर चल लिया। उसके बाद बोला गया है कि वो बाएं मुड़ और 20 किलोमीटर चला, तो बाएं मुड़ कर वो 20 किलोमीटर चलेगा, तो ये वाली कंडीशन रहेगी, तो यहाँ पे मुड़ के वो 20 किलोमीटर चल गया। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है वह फिर पूर्व की में मुड़कर 25 किलोमीटर चला है, तो पूर्व किस डायरेक्शन हो जाएगा। देखिए अगर वो कहीं भी खड़ा है, तो अगर बोला पूर्व की ओर, तो बस आपको पता है कि इस डायरेक्शन में, तो आप इस डायरेक्शन में मुड़ जाइए। तो यहाँ पे चला वो 25 किलोमीटर, उसके बाद चलता है वो और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। अंत में बाएं, देखिए अगर यहाँ पे खड़ा है, आप खुद को सोचिए कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा होगा तो मेरा बाएं बाएं हाथ कौन सा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे खड़ा होगा तो ये लेफ्ट साइड होगी, यानी कि बाएं साइड, तो यहाँ पे इस साइड में मुड़ेगा और 20 किलोमीटर चलेगा। और उसके बाद पूछा गया है कि अपने घर से वह कितनी दूरी पर है। अब थोड़ा सा विजुलाइज करिए, देखिए एक बार, ये डिस्टेंस उन्हें 25 चलने को बोली थी और यहाँ से यहाँ तक 15 थी, वैसे तो थोड़ा सा गलत डायग्राम बन गया, ऐसे बनना चाहिए था, बट जैसे भी ठीक है। यहाँ पे कितना डिस्टेंस है भाई, देखिए 25 है, ये 15 है, तो इनके बीच में यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर की, तो इसका राइट आंसर 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। देखिए दोस्तों आज की वीडियो में टोटल यही क्वेश्चन थे, और अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहे, तो आपने लाइक शेयर तो कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर दीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और बाकी मैंने आपको पहले भी बताया, लाइव क्लासेस आपको जल्दी मिलने वाली है, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भी पहुँचाते रहिए वीडियोज़ को, और आपके हर एक कोर्स के लिए लाइव क्लास मिलेगी आपको, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की सेपरेट क्लास मिलेगी। तो बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जैसे मैं आपको डेली बता ही रहा हूँ, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जितनी भी मैं वीडियो बना पाता हूँ, टाइम मिल पाता है, तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा देता हूँ। टॉपिक की बात कर लेते हैं, अगर मैथ के टॉपिक की बात करें, यहाँ पे टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, CISI, ठीक है, से क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम हो गया, मेंसुरेशन हो गया, आपका एवरेज हो गया, एज हो गया, और आपका अगर बात की जाए ट्रिग्नोमेट्री हो गया, बार वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है, और आपका जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चंस देखने को मिले आज थर्ड शिफ्ट में शायद, ठीक है। तो ये बात होगी मैथ की। अगर रीजनिंग की बात करें, तो आज स्टेटमेंट कंक्लूजन से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बट आज थोड़ा सा कम पूछे गए हैं। जैसे एक बच्चे ने बताया 3-4 क्वेश्चन, पहले सब बताते थे 8-9 क्वेश्चन, तो आज 3-4 क्वेश्चन पूछे गए, इसका मतलब स्टेटमेंट कंक्लूजन से कहीं ना कहीं आज कम क्वेश्चन थे। अगर कम नहीं थे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अच्छे खासे क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे, उनका नंबर भी बताइएगा।
वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन थे आपके, स्लोगन से भी आपके क्वेश्चन थे, वाटर और मिरर इमेज दोनों पूछी जा रही है, किसी किसी शिफ्ट में दोनों पूछ ली जाती है और किसी शिफ्ट में एक पूछ ली जाता है, या तो वाटर इमेज या मिरर इमेज। सीरीज से भी क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन थे, काउंटिंग फिगर से भी क्वेश्चन था, डायरेक्शन से और ब्लड रिलेशन से आज ज़्यादा क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन से बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो यही था पूरा का पूरा आपका आज का पैकेज, जिसमें मैंने आपको कवर कर दिया है पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस। पूरे दिन में छोटी छोटी वीडियो बनाने से अच्छा है कि एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूँ और आप उसको अच्छे से देख भी लें। ठीक है, वीडियो को पूरा देखा करें तभी आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, बस आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है टॉपिक स्टडी। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए, फिर वहाँ पे टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी PDF हैं, तो उनको डाउनलोड करके आप उनका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने लाइक शेयर कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दीजिएगा, और जो भी आपके डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।